covered about the action potential generation and the overall process or the wave of depolarization क्योंकि इस तरीके से एक्सोनल सेल के अंदर वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रेवल करती है. सो अगर हम कहें तो हम अभी तक इतना पोर्शन कवर कर चुके हैं कि अगर ये हमारा एक न्यूरोनल सेल है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इसके डेंड्रॉइड्स हैं और यहाँ पे उसका साइनेप्टिक रीजन है, तो हमने क्या कवर किया है कि इतने पोर्शन के अंदर कैसे आपका वे ऑफ डीपोलराइजेशन, इन शॉर्ट कहें कि जो चार्ज है, आयंस जो है वो ट्रैवल कैसे करते हैं, ठीक है, इतनी पोर्शन आप कवर कर चुके हो. अब बात आती है कि यहाँ पे ये रीजन होता है, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक रीजन. साइनेप्टिक रीजन पर कौन से चेंजेस होने वाले हैं वो हम इस पोर्शन में कवर करेंगे, ठीक है. ओके, सो बेसिकली जब आप साइनेप्सिस की बात करते हो तो साइनेप्टिक लेफ्ट भी आपके हर एक न्यूरोनल सेल में नहीं प्रेजेंट होते. ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइनेप्टिक लेफ्ट हम लोग न्यूरोन को दो क्लास में डिवाइड कर देते हैं कि आइदर इट इज केमिकल टाइप और इट इज इलेक्ट्रिकल टाइप. साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है जैसे कि ये अगर एक न्यूरॉन है और यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये उसका सोमा बॉडी है, तो इस न्यूरॉन के बीच में और इस न्यूरॉन के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है और इस स्पेस के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सो इस रीजन को हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है. सो हाउ वी कैन डिफाइन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, अ fluid filled space that is present in between two adjacent neuronal cells या neuron cells, ठीक है. और साइनेप्सिस का मतलब होता है, साइनेप्सिस जो है उसमें सिर्फ आप इस रीजन को इंक्लूड नहीं करते, इस रीजन को तो हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. साइनेप्सिस का ओवरऑल मीनिंग होता है कि इसके अंदर तीन पार्ट आते हैं. साइनेप्सिस का मतलब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन सी होगी, प्री का मतलब पहली, ठीक है. सो यहाँ पे कौन सी पहली मेम्ब्रेन है, दिस वन इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी के जो आपका पहला न्यूरॉन था जिसने सिग्नल रिसीव कर लिया है, यहाँ पे वे ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रेवल कर चुकी है, आयंस जो है वो यहाँ तक पहुंच गए हैं, इस रीजन तक पहुंच गए हैं, तो ये जो प्री मेम्ब्रेन स्पेस होता, सॉरी ये प्री मेम्ब्रेन जो होती है इसे हम कहते हैं, ये आपका साइनेप्सिस का एक पार्ट होती है. इसके साथ ही साथ साइनेप्सिस में इंक्लूडेड होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट. साइनेप्टिक क्लेफ्ट का मतलब द स्पेस दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरोनल सेल, ठीक है. और इसके अंदर ये खाली आपका वैकेंट स्पेस नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड यहाँ पे फिल्ड होता है, बहुत सारा फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है. थर्ड पार्ट इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का मतलब कि जिस न्यूरॉन को सिग्नल यहाँ पे रिसीव करना यानी कि ट्रांसमिट किया जा रहा है उसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी. नाउ देखिए क्या होता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की एक खास बात ये होती है कि जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे बहुत सारी वेसिकल्स प्रेजेंट होती है. ये वेसिकल्स कैसी होती है कि इन वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड होते हैं, ठीक है, राइट. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का आइडेंटिफिकेशन मार्क आप कह सकते हो, फीचर कह सकते हो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में उसके सरफेस पर यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे. और ये रिसेप्टर्स भी कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, देखिए ये रिसेप्टर्स आपके वो रिसेप्टर प्रेजेंट है जो इन न्यूरो ट्रांसमीटर को रिसीव करने वाले, न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इनको रिसीव करने के बाद कुछ एक चेंजेस यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है. वो सारा पोर्शन कवर करेंगे. अभी के लिए इतना याद रखिए साइनेप्टिक रीजन के अंदर तीन पार्ट आते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन.
ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टिमुलस एक्सोन के टर्मिनल रीजन पर पहुंचने के बाद इन्हीं के थ्रू आपका ट्रैवल करता है, राइट? ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है आपके जो सिग्नल्स है उसका, या यहाँ तक आप देख चुके हैं कि भी किस तरीके से सिग्नल आपका यहाँ तक पहुंच गया है। अब जैसे यहाँ पे सिग्नल पहुंच गया, सिग्नल का मतलब क्या है कि सोडियम आयन यहाँ तक पहुंच गए हैं, ठीक है? सोडियम आयन की चीज हमने पढ़ा था कि आपकी जो सेल्स होती है एक्सोनल सेल, उसके एक सेगमेंट के अंदर यहाँ पे आपका डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन की वजह से कुछ सोडियम आयन इस रीजन के अंदर डिफ्यूज हुए, जिससे अगेन इस रीजन के अंदर डीपोलराइजेशन हुआ, फिर इस रीजन से वापस यहाँ पे कुछ सोडियम डिफ्यूज हुए। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, ठीक है? और जैसे जैसे आपकी एक एक सेगमेंट डीपोलराइज होता है, वैसे ही वैसे एक वेव ऑफ रिपोलराइजेशन भी ट्रेवल करती है। तो आप देखते हो कि इस रीजन से कुछ सोडियम आयन डिफ्यूज होके आपके एक्सोन के टर्मिनल रीजन पर आ जाते हैं। एक्सोन के टर्मिनल रीजन के अंदर बहुत सारे साइनेप्टिक नोब प्रेजेंट होते हैं। नोब मतलब स्मॉल स्मॉल, आप समझ सकते हो कि कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो गए, जैसे आपको दिख रहा है बल्ब जैसे गोल गोल सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दीज आर साइनेप्टिक नोब्स। अब इन नोब की खास बात क्या होती है कि इन नोब्स के पास कुछ फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है? और उस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है? तो जो साइनेप्टिक रीजन होता है, जो एक्सोन टर्मिनल रीजन होता है, उसके पास इतने ज्यादा नोब प्रेजेंट होते हैं, अप्रोक्सीमेट 10,000 टू, ठीक है? इतने सारे साइनेप्टिक नोब उसके अंदर अप्रोक्सीमेट प्रेजेंट होंगे। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक्सोन टर्मिनल रीजन के अंदर इतने सारे नोब्स अगर प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारा न्यूरो ट्रांसमीटर उनके अंदर फिल्ड होता है, ठीक है? न्यूरो ट्रांसमीटर बेसिकली कुछ भी नहीं है, न्यूरो ट्रांसमीटर एक सब्सटेंस है जो इन वेसिकल के अंदर फिल्ड होता है। और इसे हम न्यूरो ट्रांसमीटर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, और क्योंकि ये न्यूरोनल सेल में प्रेजेंट है, और ये न्यूरोनल सेल से रिलीज होने के बाद दूसरी न्यूरोनल सेल को ही एक्साइट करता है, इसलिए इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि ये जो आपकी साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के पास प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरोट्रांसमीटर की खास बात क्या होती है कि इसको हम लोग समझने के लिए दो वर्ड में ब्रेक कर लेते हैं, न्यूरो यानी कि आपकी न्यूरोनल सेल, ठीक है? और ट्रांसमीटर कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जो एक चीज को ट्रांसमिट कर रहा है, और यहाँ पर ट्रांसमिशन किसका हो रहा है, सिग्नल का ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जब हमारे न्यूरोनल सेल एक्साइट हुआ था तो उस टाइम पे तो हमने देखा था कि यहाँ पे एक कॉकरोच आपका बैठ गया था, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए आपको हर एक न्यूरोनल सेल के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल खोलनी पड़ेगी, है ना? तो क्या होता है कि जो न्यूरोनल सेल्स होती है वो एक दूसरे के साथ विसिनिटी में प्रेजेंट होती हैं, और सिग्नल जो है वो वन न्यूरोनल सेल टू अनदर न्यूरोनल सेल ट्रांसफर होता है। लेकिन ये ट्रांसफर होगा कैसे, क्योंकि इस न्यूरोनल सेल का एक्साइट होने के लिए जरूरी है कि इसके अंदर जो -70 का माहौल है, जो -70 का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो -60 तक जाए, थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़े, तभी ये न्यूरोनल सेल आपकी एक्साइट होगी, ठीक है? सो उसके लिए क्या होता है कि इस एक्सोनल टर्मिनल रीजन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, जो एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, जो दूसरा न्यूरोनल सेल होगा उसको एक्साइट करेंगे। अब कैसे एक्साइट करेगा वो हम यहाँ से देखते हैं। तो देखिए अभी तक आपने समझा कि सोडियम यहाँ तक डिफ्यूज होके आ चुका है, तो जैसे कुछ सोडियम आयन यहाँ पर डिफ्यूज होके आया, तो एक्सोन टर्मिनल रीजन के पास भी अगेन -70 mV का पोटेंशियल डिफरेंस था, लेकिन सोडियम आयन के डिफ्यूज होने की वजह से ये आपका वापस किस में चला गया, -60 mV का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। अब जैसे -60 mV का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे अगेन आयन चैनल्स ओपन होगी, आयन चैनल्स ओपन होगी, लेकिन
पहले रीजन के अंदर तो देखा था कि वहां पे तो सोडियम की वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन हो रही थी, यहाँ पे कौन सी आयन चैनल ओपन होगी? तो एक्सोन टर्मिनल रीजन के अंदर भी आयन चैनल्स ओपन होती है, लेकिन यहाँ जो आयन चैनल ओपन होती है उन आयन चैनल को हम लोग कहते हैं कैल्शियम गेटेड आयन चैनल। ये कैल्शियम गेटेड आयन चैनल ओपन होगी और ये कैल्शियम का इनफ्लक्स कराएगी। अब देखिए सोडियम का इनफ्लक्स हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जब हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंपोजिशन डिस्कस करी थी, तो वहां डिस्कस किया था कि भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, इंट्रा सेलुलर में पोटासियम मोस्ट अबंडेंट है, इसलिए जब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन होती है तो सोडियम का इनफ्लक्स होता है और पोटासियम का इफ्लक्स होता है। बट कैल्शियम की भी बात करें तो कैल्शियम भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर भरा हुआ है, ठीक है, इतना भरा हुआ है कि भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर के एनवायरमेंट में ज्यादा है। तो जैसे ही यहाँ पे इस रीजन के अंदर, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इस रीजन को मैं इरेज कर देती हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इस रीजन को। वेट अ सेकेंड, ओके ठीक है, इस रीजन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इलोंगेटेड बना लेती हूँ कि ये हमारा साइनेप्टिक टर्मिनल रीजन है, राइट? व्हाट विल हैपन देयर? बहुत सारी नोब प्रेजेंट है, वेसिकल्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक वेसिकल कह देते हैं। सो जैसे यहाँ पे माहौल क्या चेंज हुआ, -60 mV यहाँ पे माहौल हो जाता है, तो आप देखते हो कि यहाँ पे कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स ओपन होगी तो कैल्शियम जो कि बाहर के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट था उसका इनफ्लक्स हो जाएगा और अंदर आप देखोगे बहुत सारा कैल्शियम आ गया, ठीक है। ये कैल्शियम क्या करता है, देखो कैल्शियम का अगर आप न्यूरोनल सेल का भी छोड़ो तो बहुत सारी अलग अलग जगह के ऊपर कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैल्शियम जनरली क्या करता है, जितने भी फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होती है ना उनको पुश कर देता है, ठीक है, ताकि वो अपना सारा फ्लूइड को रिलीज कर दे। सेम यही फंक्शन कैल्शियम यहाँ पे परफॉर्म करेगा। कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम के अबंडेंस से ज्यादा हो जाने की वजह से एक्सोन टर्मिनल रीजन के अंदर जो वेसिकल प्रेजेंट होती है उनके साथ अब क्या होने वाला है, देखिए ये जो वेसिकल्स प्रेजेंट है ना, इन वेसिकल के सरफेस पर भी अगेन कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कैल्शियम तो आ गया, लेकिन कैल्शियम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगी? कैल्शियम ऐसे तो है नहीं कि उसको धक्का लगा लगा के उसको बाहर पुश करेगा, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पे भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं, इनके सरफेस पर कैल्शियम आके बाइंड करता है और कैल्शियम जैसे ही इस सरफेस के ऊपर आके बाइंड करेगा, व्हाट विल हैपन, आप देखते हो कि ये जो वेसिकल्स होती हैं ये मूव कर जाती हैं टुवर्ड द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ ये मूव कर जाएंगी, जहां जाके ये मेम्ब्रेन के साथ ऐसे फ्यूज कर जाती, ठीक है। फ्यूजन का मतलब समझते हो कि मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गई, फ्यूज हो जाने के बाद ये ओपन हो जाती है और जितना भी इनके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड था, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर इनके अंदर था, वो सारा वो रिलीज कर देती है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा कि आपका सोडियम आयन के डिफ्यूजन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर चेंजेस आए एक्सोन टर्मिनल रीजन में, और जैसे एक्सोन टर्मिनल रीजन के अंदर चेंजेस आते हैं कैल्शियम का इनफ्लक्स होने लगता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स की ओपनिंग होती है, सो कैल्शियम आयन का डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, बहुत सारा कैल्शियम आपके एक्सोन टर्मिनल रीजन में फिल्ड हो जाता है। कैल्शियम जाके कुछ प्रोटीन्स के ऊपर, जिन्हें हम कहते हैं रिलीज साइट, रिलीज साइट स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स है जो वेसिकल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर जाके बाइंड करेगा, जिससे जो वेसिकल है वो मूव करेगी मेम्ब्रेन की तरफ और मेम्ब्रेन के साथ वो फ्यूज हो जाती है, और जैसे वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगी जितना भी मैटर उसके अंदर फिल्ड था, आप ऐसे समझिए कि ये वेसिकल एक गुब्बारे की तरह है, ठीक है। मेम्ब्रेन से जैसे ही ये गुब्बारा जाके फ्यूज हुआ ये फूट गया, और फूट गया तो गुब्बारे का जितना भी मैटर था सारा बाहर निकल गया, है ना। तो मेम्ब्रेन के साथ वेसिकल फ्यूज करती है और जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर उसके अंदर उसने भर रखा था वो सारा का सारा उसने रिलीज कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है इट इज एक्साइटरी इन इट्स
फंक्शन, एक्साइटरी इन इट्स फंक्शन का मतलब होता है कि ये एक्साइटेशन कॉज करती है, और एक्साइटेशन यहाँ पे क्यों कॉज हो रहा है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल सब्सटेंस, और ये केमिकल सब्सटेंस इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी एसिटाइलकोलाइन, दैट कैन बी नोरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, गाबा, ठीक है। इनका अलग-अलग आप देखते हो कि भी जो एडजेसेंट न्यूरोनल सेल होगा उसके ऊपर अलग-अलग तरीके से वो अपना इफेक्ट शो करेंगे, बिकॉज ऑल द टाइम ऐसा हो नहीं सकता कि न्यूरोनल सेल आपका स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स ही शो करेगी। न्यूरोनल सेल दोनों टाइप के रिस्पॉन्स को शो करती है, स्टिमुलेटरी भी, इनहिबिटरी भी, एक्साइटरी भी, इनहिबिटरी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी देखिए, पैनेप्टिक ट्रांसमिशन, न्यूरॉन कंडक्ट द इंपल्सेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव मतलब यहाँ पे सोडियम आयन के डिफ्यूजन की वजह से न्यूरोनल सेल का हर एक सेगमेंट डीपोलराइज होता चला जा रहा है। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस इज यूनि डायरेक्शनल, यस दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिकॉज जो आपके साइनेप्सिस होते हैं एक्सॉन टर्मिनल रीजन के अंदर जो ट्रांसमिट होता है इंफॉर्मेशन का, वो हमेशा वन वे कंडक्शन होता है, वन वे कंडक्शन। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो सोडियम आयन है, देखिए हमने यहाँ क्या कहा था कि आपका ये सेगमेंट पहले पोलराइज था, लेकिन सोडियम आयन के डिफ्यूजन की वजह से ये डीपोलराइज हुआ, फिर उसके बाद ये पोलैरिटी गेन करने लगता है, रीपोलराइज होने लगता है, इतने में यहाँ पे सोडियम आयन डिफ्यूज हो जाते हैं, फिर ये रीजन डीपोलराइज हो सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये उठ सकता है कि डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयन इधर हुआ, इधर भी तो हुआ होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने सोडियम को डायरेक्शन दी है कि भाई तुम तो इधर नहीं जा सकते, तुम सिर्फ इधर जा सकते हो, है ना। तो सोडियम आयन के डिफ्यूजन तो लास्ट सेगमेंट में भी हुआ होगा और इधर भी हुआ होगा, लेकिन क्या होता है कि जो पोलारिटी मतलब जो पोलराइजेशन का यहाँ पर डीपोलराइजेशन का वेव है वो सिर्फ आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, वो कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा एक्सोन के अंदर वन वे कंडक्शन होता है, और कौन सी डायरेक्शन के अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे कंडक्शन होता है। सो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस यूनिडायरेक्शनल होता है और ये वन वे कंडक्शन को फॉलो करता है। ओके, सो इट फॉलोज ऑल और नन लॉ, ठीक है। ऑल और नन लॉ का मतलब क्या होता है, देखिए आपका जो स्टिमुलस है वो डिपेंड करता है, मतलब पहली चीज तो पहला जो न्यूरोनल सेल है वो तो एक्साइटेशन हो गया, ठीक है, एक्साइट हो गया क्योंकि मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल खुली थी, प्रेशर पड़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब स्टिमुलस की बात करते हैं तो ऑल और नन लॉ क्या कहता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्स होगा किसी भी नर्व सेल का या किसी मसल सेल्स का, बिकॉज जो नर्व सेल्स होती है जो मसल सेल्स होती है दोनों ही एक्साइटेशन शो करती है, तो जो रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ होती है वो मसल और आपका, अगर आप नर्व सेल दोनों में से किसी की भी बात कर रहे हो तो डिपेंड नहीं करेगी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्यूमुलस, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी मसल सेल्स को, नर्व सेल्स को, कि किस स्ट्रेंथ के अंदर स्ट्यूमुलस आया है, ठीक है। रिस्पॉन्स सिर्फ क्या डिपेंड करेगा, देखिए कमांड गई मतलब सेंसरी जो न्यूरॉन्स थे उसने सेंस स्टिमुलस को रिसीव किया, ब्रेन तक कमांड गई, ठीक है। अब ब्रेन डिसाइड करेगा कि उसे कैसे रिएक्ट करना है, इस चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस स्ट्रेंथ में स्टिमुलस आ रहा है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, क्लियर। सो ऑल और नन लॉ कहता है कि या तो एक ही सेल आपकी, मतलब या तो आपकी कोई भी सेल एक्साइट नहीं होगी या फिर सारी सेल एक्साइट होगी। मतलब ये हुआ कि अगर एक बार आपकी मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल ओपन हो गई, एक बार न्यूरोनल सेल एक्साइट हो गया, तो मतलब ये होगा कि वो सीक्वेंस चलेगी, आपकी एक न्यूरोनल सेल दूसरी को एक्साइट करेगी, दूसरी तीसरी को, ऐसे करके आपके ब्रेन तक कमांड जाएगा, ठीक है। सो जरूरी है कि अगर आपकी सेंसरी सेल ने स्टिमुलस को रिसीव किया है तो एक्साइटेशन इनिशिएट होगा, और अगर उसने रिसीव नहीं किया, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल ओपन ही नहीं हो पाई, आपने सिग्नल ही इतना दिया, मानो आपको किसी ने पिंच किया, ठीक है, उस पिंच करने से आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि मे बी पॉसिबल है ना, एक तो आपको पता है कि भी अगर मुझे ऐसे इतना रिस्पॉन्स मिलेगा तभी तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस आएगा ना, अगर -70 से
-60 मिलीवोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं आता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल ओपन नहीं होगी। तो ये स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक बार -60 हो जाने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि एक्साइटेशन होगा। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता -60 से वो प्रेशर की वजह से -50 हो गया हो, -40 हो गया हो, ठीक है, राइट? ओके, सो वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर ऑफ न्यूरॉन। कितना नर्व इम्पल्स यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि न्यूरॉन का डायामीटर कितना है। ये बात मैंने कल भी आपको डिस्कस करी थी, क्योंकि जितना आपकी वोल्टेज गेटेड आयन चैनल वहां पे प्रेजेंट है, जितना आयन का डिफ्यूजन हो रहा है, पैसेज हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो डायामीटर पे भी समहाउ डिपेंड करता है कि वेलोसिटी क्या रहेगी नर्व इम्पल्स की। सो इन मैमल्स द वेलोसिटी ऑफ नर्व पल्सेस इज 100 to 130 meter per second। ये पॉइंट आपको याद रखने लायक है कि भी मैमल सेल्स के अंदर किस स्पीड से ट्रैवल करता है नर्व पल्सेस, राइट? This velocity is affected by physical and chemical factors such as pressure, cold, heat, chloroform and ether. इसलिए कहते हैं ना कि जब किसी को बेहोश करना होता है तो हम क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। उसका एक रीजन ये भी होता है क्योंकि ये हमारी फिजिकल और ये मतलब हमारी नर्व इम्पल्सिस की वेलोसिटी को अफेक्ट करता है। आपके एनवायरनमेंट में प्रेशर कितना है, कोल्ड, हीट, क्लोरोफॉर्म, ये सारी चीजें आपके नर्व इम्पल्सिस की वेलोसिटी को अफेक्ट करती है। टेलोडेंड्रिया ऑफ वन न्यूरोन फॉर्म साइनेप्सिस विद डेंड्रोन्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरोन। ये डिस्कस किया हमने कि जो साइनेप्सिस रीजन होता है उसमें इसकी इस ये होता है मतलब टेलोडेंड्रिया, टेलोडेंड्रिया को ही हम एक्सोन टर्मिनल कह देते हैं। इसकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस में सामने वाले की मेम्ब्रेन जो होगी वो मिला के साइनेप्टिक रीजन की फॉर्मेशन करेगी और उसको हम कलेक्टिवली साइनेप्टिक क्लैव कहते हैं। न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमिटर जो कि है गाबा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, बाइंड विद पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टू ओपन द क्लोरीन गेटेड आयन चैनल एंड हाइपर पोलराइज द न्यूरोन अकर। सो नाउ द पोटेंशियल इज कॉल्ड इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अच्छा, ये दो हमारी डिफरेंट थिंग है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मैंने अभी कहा ना कि भी जरूरी नहीं है कि साइनेप्टिक रीजन के बाद न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने के बाद जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा वो आपका एक्साइटरी रिस्पॉन्स ही शो करेगा। मे बी पॉसिबल है कि वो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स भी शो करे, ठीक है। सो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स शो करेगा या एक्साइटरी रिस्पॉन्स शो करेगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग अच्छे से समझते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन किस तरीके से आपका हुआ। ओके जी, एक चीज यहां से याद रखिए, मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो उस टाइम पे आपको बताया था कोई भी सेल जितनी एक्टिव होती है उसकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका इंटरनल एनवायरनमेंट का कंपोजिशन कैसे होगा। एग्जांपल के लिए आपके आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स होती है, हम आज तक यही पढ़ते आए हैं कि आरबीसी जो है वो इन्यूक्लेटेड होती है। इन्यूक्लेटेड क्यों होती है, क्योंकि मैच्योरेशन के बाद उसे एनर्जी नहीं चाहिए, मैच्योरेशन के बाद उसे एनर्जी नहीं चाहिए, उसे डिवीजन परफॉर्म नहीं करना, तो डिवीजन परफॉर्म नहीं करना तो न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है। अब न्यूक्लियस की जरूरत कब पड़ती है, जब उसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जब उसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, उसे डिवाइड आगे होना ही नहीं है एक बार मैच्योर होने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस का क्या काम करेंगे। अब देखो अगर ज्यादा आपके घर के अंदर स्टफ पड़ा है तो आपको उसको मैनेजमेंट, उसके मैनेजमेंट में भी आपकी ज्यादा मेहनत लगेगी ना, तो सेल भी क्या करती है जिन ऑर्गेनेल की उसे जरूरत नहीं होती है उन्हें रिमूव कर देती है और जिनकी जरूरत होती है उनका अमाउंट बढ़ा देती है। तो क्योंकि आपके एक्सोन टर्मिनल रीजन के ऊपर बहुत सारा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, ठीक है, अमाउंट में एनर्जी चाहिए, इसलिए आप देखते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था नर्व फाइबर्स और माइटोकॉन्ड्रिया आपके एक्सोन के अंदर फैले हुए होते हैं, ये आपके स्टिमुलस को ट्रांसफर करने में हेल्प कराते हैं, ठीक है। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया की अबंडेंस ये बहुत ज्यादा होती है। साइनेप्टिक नॉब्स यहाँ बहुत सारे प्रेजेंट है, इन साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लूइड फ्लड होता है। फ्लूइड भी कौन सा, यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रांसमीटर वेसिकल्स भी कह देते हैं, राइट। सो ये हमारी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है। जब आपका कैल्शियम आयन यहाँ पे बाइंड करेगा, कैल्शियम आयन की बाइंडिंग की वजह से ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते ही इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देती है।
ये हमारी मेम्ब्रेन है पोस्ट एनेप्टिक मेम्ब्रेन, और मैंने कहा कि पोस्ट एनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं। इस रिसेप्टर के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा जो डिसाइड करेगा कि आपकी जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसको इनहिबिशन शो करना है या एक्साइटेशन शो करना है, यानी कि किस तरीके का रिस्पॉन्स उसे आगे लेके जाना है। ठीक है, अब ये कैसे इंडक्शन होगा, देखिए यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इन रिसेप्टर्स के पास, इन रिसेप्टर्स के साथ लिंक्ड होती है दूसरी आयन चैनल्स। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो बायोलॉजिकल सेल्स होती हैं उसके अंदर अलग अलग टाइप के आयन चैनल्स होती हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल की। मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल का यूज आप समझ चुके हो कि न्यूरोनल सेल के अंदर को किस तरीके से काम करती है, गेटेड आयन चैनल, मैकेनिकल गेटेड जो आयन चैनल है उसका काम है प्रेशर की वजह से ओपन होना, जो हमने स्टार्टिंग में देखा। फिर हमने वोल्टेज गेटेड आयन चैनल की बात करी थी। ठीक है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, गेटेज आयन चैनल, नॉट गेटेज, इट्स गेटेड, ओके यस, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। फिर उसके बाद हमने कुछ लीकी चैनल्स की बात की थी। लीकी चैनल्स का रोल भी हमने देखा कि हमेशा यहाँ से आयन का ट्रांसफर होता रहता है, डिफ्यूजन होता रहता है। फोर्थ कैटेगरी हमने बात करी थी लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स की, लेकिन अभी तक हमने किसी भी लाइगेंड गेटेड आयन चैनल की बात नहीं करी। ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ पे जो बात करी थी ना हमने, वो भी हमारा क्या था, आयन गेटेड था, कैल्शियम आके बाइंड कर रहा था और उसे हम क्या कह रहे थे, रिलीज साइट कह रहे थे, है ना। लाइगेंड गेटेड चैनल्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। अब लाइगेंड गेटेड चैनल्स कहाँ इन्वॉल्व होती है, तो देखिए यहाँ पे जो आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उसमें ये जो रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स ये लिंक होते हैं किसके साथ, यहाँ पे हमारी चैनल्स लगी होती है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल का मतलब क्या होता है, ये वो आयन चैनल्स होती हैं जो लाइगेंड की बाइंडिंग की वजह से ओपन होती है, यानी कि जब रिसेप्टर के ऊपर लाइगेंड आपके बाइंड करेगा तब ये चैनल्स आपकी ओपन होगी। तो जब आपकी प्री साइनेप्टिक रीजन से वेसिकल के डिफ्यूजन की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, तो क्वेश्चन तो आता है ना भी, न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा क्या काम करता है कि दूसरी मेम्ब्रेन एक्साइटेड हो जाती है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पहले न्यूरोन में तो हमने देखा था कि भी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर चेंज आ रहा था जिस वजह से एक्सोन रीजन के अंदर एक्साइटेशन इंड्यूस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्साइटेशन को इंड्यूस करने के लिए पोटेशियम चैनल को ओपन करने के लिए यहाँ पर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस में वो करना पड़ेगा ना, डिफरेंस लाना पड़ेगा, तभी तो पूरी प्रोसेस हमारी इनिशिएट होगी। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे आएगा कि जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो इस सरफेस के ऊपर आके बाइंड करते हैं, रिसेप्टर्स पे आके बाइंड करते हैं, और इन रिसेप्टर के साथ लिंक होती है आयन गेटेड चैनल, लाइगेंड गेटेड चैनल्स, और ये लाइगेंड गेटेड चैनल्स ओपन हो अगेन बाहर के एनवायरनमेंट में, सोडियम भरा पड़ा है उसे फिर से, उसके लिए रास्ते खुल गए, चैनल्स खुल गई और फिर से सोडियम का इन्फ्लक्स होने लग जाएगा, बहुत सारा सोडियम फिर से अंदर आने लगेगा, लेकिन हमें बहुत सारे की अभी तक जरूरत नहीं है। तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल से फिर से आपके मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाता है, -70 से -60 फिर से चेंज आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका न्यूरोट्रांसमीटर का रोल, क्लियर हुआ, ओके। सो इसके बाद का जो भी हम पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आज का लेसन आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।